छह दिन बीत गए, जंग अब भी है जारी। कहीं बरस रही मिसाइलें, कहीं बमबारी। दिखने लगी है बर्बादी, तबाही बड़ी भारी। मर रहे हैं बेगुनाह, जंग के बीच जिंदगी हारी। लड़ रहे हैं पुतिन ज़ेलेंस्की, जान गई नवीन की। लड़ाई है रूस और यूक्रेन की, उम्मीदें टूटी हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूक्रेन में जंग और हिंदुस्तान को जख्म। जी हां, एक भारतीय छात्र की मौत के बाद पूरे देश में इस वक्त नजरें टिकी हुई हैं। नजरें लगातार छह दिन से टिकी हुई हैं यूक्रेन और रूस के बीच की जंग का ये छठा दिन, जहां बर्बादी का आलम अब शहर दर शहर पुतिन दिखाते हुए खार्कीव से लेकर कीव राजधानी खेरसन तुमी तमाम जगहों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं रूसी फौज के। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन पर बड़ी बैठक बुलाई है एक बार फिर से। हर शाम बीते तीन दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर तमाम अन्य मंत्री शामिल हो रहे हैं कि आखिर जो भारतीय पीछे छूटे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकाला जाए। इस बीच आपको बता दें, साफ एडवाइजरी, कीव में फंसे हर भारतीय को दिया गया बस ट्रेन कोई भी साधन, निकलिए आप कीव से। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से बैठक है, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी को भी देख रहे हैं। हिंदुस्तान का वो छात्र जिसकी खार्कीव में मौत हो गई है।